मैंने कहीं पढ़ा था कि हर एक परेशानी अपने समाधान को साथ लेकर चलती है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर, स्वागत है आपका मेरी कहानी में। एक गुप्ता जी थे जो गांव में रहा करते थे। इनके पास एक बहुत ही बेशुमार कीमती घड़ी थी। ये घड़ी एक दिन अचानक कहीं खो गई। गुप्ता जी के चेहरे की चमक जैसे गायब हो गई। गुप्ता जी दिन भर घड़ी को ढूंढते रहे, घड़ी नहीं मिल रही थी। शाम का वक्त हुआ, इनका छोटा लड़का घर में आया, पापा को उदास देखा तो पापा से पूछा कि पापा क्या हुआ। पापा ने यानी गुप्ता जी ने जवाब दिया कि मेरी वो घड़ी जो मुझे बहुत पसंद थी वो कहीं खो गई है। बच्चे ने कहा, कोई दिक्कत नहीं पापा, मैं क्रिकेट खेल कर आया हूँ, मेरे पास मेरे सारे दोस्त हैं, हम लोग सब मिलकर ढूंढेंगे, घड़ी मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। पापा कहे कि ठीक है, आप प्रयास कीजिए। शाम का वक्त था, बच्चों ने 1 से 2 घंटे पूरे घर में ढूंढा पर घड़ी नहीं मिली, घड़ी नहीं मिली। गुप्ता जी फिर से उदास हो गए। बच्चा आया और पापा से कहा, यानी गुप्ता जी से कहा कि मुझे पता है कि घड़ी मिल जाएगी, पर आप परेशान मत होइए, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। गुप्ता जी ने कहा कि 10 मिनट ठीक है दिए। बच्चा गुप्ता जी के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। 10 मिनट बाद कमरे से बाहर निकला, गुप्ता जी के हाथ में घड़ी दे दी। गुप्ता जी खुश थे पर अचंभित भी थे। बोले, यार एक बात बताओ, हम लोग दिन भर से घड़ी ढूंढ रहे हैं, आपके दोस्त भी घड़ी ढूंढे, पर आपने 10 मिनट में कैसे ढूंढ ली। बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, पापा 10 मिनट ये डेडलाइन थी, मैं आपके कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर जाकर बैठ गया और इत्मीनान से सुनने लगा। गुप्ता जी बोले, क्या सुनने लगे। बोले, मैं इत्मीनान से सुनने लगा आपकी घड़ी के सेकंड की टक 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 वाली आवाज, और बस वो 10 मिनट के अंदर जैसे ही मैं डीप कॉन्सेंट्रेशन में गया, वो कानों में मेरी आवाज पड़ गई और मुझे पता चल गया कि आपकी घड़ी तकिए के कवर के अंदर है। मैंने हाथ डाला और निकाल कर घड़ी आपके हाथ में दे दी। ये 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स में घड़ी ढूंढ ली, दिन भर की भड़बड़ाहट से घड़ी नहीं मिल रही थी। जानते हैं, हर एक परेशानी उसके समाधान को लेकर ही आती है, पर आप इतनी हड़बड़ाहट में होते हैं, इतनी जिज्ञासा में होते हैं, इतनी परेशानी में होते हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है उसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखते, उसको आप ब्रेकर के रूप में देखते हो, लाइफ में रुक जाते हैं। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आई है, मैं कह रहा हूं 15 से 20 मिनट इत्मीनान से अकेले में आंख बंद कर बैठिए, उसका समाधान आपके कानों तक पहुंच जाएगा। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि आपके जीवन में आने वाली सारी प्रॉब्लम आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में बनकर ही दिखेंगी। इसीलिए जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन को निखारने आई हैं, बिगाड़ने नहीं आई हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी परेशान मत होइए। प्रॉब्लम आती है, 10 से 15 मिनट इत्मीनान से अपने साथ खुद बैठिए, मतलब अकेले में बैठिए, सॉल्यूशन आपके कानों तक पहुंच जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आप सबसे विशिष्ट इंसान हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आपके जैसा जीवन में ना कोई हुआ है ना कभी होगा। आपकी प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ना कि ब्रेकर है। इसी लाइफ में मुस्कुराते रहिए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करिए। हर एक प्रॉब्लम अपना समाधान खुद लेकर आती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना, अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम ही जनरेट करती है। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में नहीं अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, और हर एक प्रॉब्लम अपना समाधान खुद लेकर आ रही है। यस, और आप सबसे विशिष्ट हैं, आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप सबसे विशिष्ट हैं, क्योंकि मन का विश्वास आपको सबसे बेहतर बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।